तो दोस्तों थॉर रैग्नारोक मूवी रिलीज हो चुकी है और जितना हमने सोचा था ये मूवी उससे ही ज्यादा कमाल की निकली। आज हम इस मूवी का एनालिसिस करने वाले हैं, जानेंगे कुछ सवालों का जवाब, देखेंगे कुछ फैक्ट्स और बात करेंगे कुछ ईस्टर एग्स की। तो आइए देखते हैं। थॉर रैग्नारोक, जब पहली बार इस मूवी का नाम सामने आया था तब लोगों ने इस मूवी को कई तरह से इमेजिन कर लिया था, क्योंकि कॉमिक्स में रैग्नारोक के और भी बहुत सारे वर्जन है। लेकिन ट्रेलर देखकर हमें ये क्लियर हो गया था कि यहाँ किस रैग्नारोक की बात चालू है। पर ये मूवी सिर्फ एक कॉमिक्स पर बेस्ड नहीं है, इसमें प्लेनेट हल्क कॉमिक्स की स्टोरी भी शामिल है, जिसे रैग्नारोक के साथ काफी अच्छी तरह से मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेला की। कॉमिक्स में हेला की ओरिजिन स्टोरी अलग थी, जिसमें वो लोकी की बेटी थी और उसे क्वीन ऑफ डेथ या मिस्ट्रेस ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मूवी में हेला थॉर की बड़ी बहन निकलेंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। थॉर के कंपेयर में हेला के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, टेलीपैथी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। थॉर के जन्म से पहले ओडिन और हेला ने मिलकर कई रियासतों को जीता और तबाह किया, लेकिन हेला के बुरे इरादों को देखकर ओडिन ने उसे कैद कर दिया ताकि वो थॉर के जरिए एक अच्छा राज्य बना सके। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थॉर का हैमर म्यूनिर पहले हेला के पास में था, और क्योंकि हेला ओडिन की बेटी है और वो थॉर से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हैमर को इतनी आसानी से तोड़ पाई। इस फिल्म में हमें कई सवालों के जवाब मिले, जैसे कि ओडिन कहाँ गायब हो गए थे, लोकी एसगार्ड में ओडिन की फॉर्म में क्या कर रहा था, ब्रूस बैनर यानी हल्क कहाँ था, और अगर आपको याद होगा तो हमने थॉर की पहली मूवी में एक इन्फिनिटी गाउंटलेट को नोटिस किया था जो इन्फिनिटी स्टोन से भरा हुआ था। इसलिए सभी फैंस को ये लग रहा था कि दो इन्फिनिटी गाउंटलेट है जिसमें से एक थैनोस के पास है। लेकिन वो बात भी इस फिल्म में क्लियर होगी कि वो एक नकली इन्फिनिटी गाउंटलेट था जो कि बस वहाँ शो के लिए रखा हुआ था। हर मूवी में कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि ट्रेलर में अलग दिखते हैं और मूवी में अलग। इस मूवी में भी ऐसे बहुत से सीन्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीन की बात की जाए तो थॉर का हैमर टूटने वाला सीन। सबसे पहले जो टीजर और ट्रेलर आए थे तब हमने थॉर के हैमर टूटने वाला सीन न्यूयॉर्क की एक सुनसान जगह पर देखा था, लेकिन उसके बाद जो वीडियोज आई तब हमने उसी सीन को एक अलग जगह पर देखा और तब वहाँ पर लोकी भी था। कई लोगों को लग रहा था कि थॉर का हैमर दो बार टूटने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हैमर एक ही बार टूटा, वो भी इस मैदान में, जो कि नॉर्वे का सीन है जहाँ ओडिन थे। फिल्म के फर्स्ट ट्रेलर में हमें ये सीन भी दिखा था जो कि मूवी में हैमर टूटने के तुरंत बाद का सीन है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हैमर टूटने का जो सीन हमने न्यूयॉर्क में देखा था वो सीन सिर्फ टीजर और फर्स्ट ट्रेलर के लिए था। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। सकार प्लैनेट पर थॉर को जिस नेट में पकड़ा जाता है वो नेट भी मूवी में अलग थी, और उसी के बाद का ये सीन जब वेलगरी थॉर को उसके केप से पकड़ के खींच के लेके जाती है जो कि ट्रेलर में अलग था। और ट्रेलर के कोई भी सीन में हमें थॉर के गले पर ये चिप नहीं दिखी थी। और सबसे आखिरी में ये इस सीन में हेला के ऊपर ये येलो लाइट देखकर सबको ये लगा था कि हेला इन्फिनिटी स्टोन या फिर थॉर के हैमर की पावर एब्जॉर्ब कर रही है। हालांकि मूवी में ऐसा कुछ नहीं था। ये सीन तब का था जब हेला अपने सर पे अपना ट्रेडिशनल हेलमेट पहनती है, लेकिन हमें मूवी में कोई भी येलो लाइट नहीं दिखी। एवेंजर्स 1 में हम देख चुके हैं कि थॉर ने अपने हैमर के साथ हल्क को अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि थॉर अपने हैमर के बिना भी कितना पावरफुल है। इस फिल्म में हमें कई सारे ईस्टर एग्स दिखे। हल्क थॉर की पिटाई करता है जैसे उसने एवेंजर्स 1 में लोकी की पिटाई की थी। हेला थॉर और लोकी से घुटने टेकने को कहती है, जैसा एवेंजर्स में लोकी ने कैप्टन अमेरिका और सभी लोगों से कहा था। घुटने टेको। आज नहीं। लोकी थॉर को अपना सौतेला भाई कहता है। He's my brother. जैसा कि एवेंजर्स 1 में थॉर ने लोकी के बारे में कहा था। ग्लैडिएटर फाइट में थॉर का हेलमेट और हल्क का गेटअप ये कॉमिक से इंस्पायर्ड है। थॉर का एक आंख निकल जाना ये हमें दो बातों से कनेक्ट करता है, जैसा कि उसके पिता ओडिन की भी एक आंख नहीं थी और रैग्नारोक कॉमिक्स में भी थॉर को अपनी आंख खोनी पड़ती है, लेकिन कॉमिक्स में वो दोनों आंखों से अंधा हुआ था। सर्टर एसगार्ड का अंत करता है ये बात भी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन कॉमिक्स में सर्टर और लोकी दोनों मिलकर एसगार्ड को तबाह करते हैं। जिस जगह पर हमने वो नकली इन्फिनिटी गाउंटलेट देखा था वहीं पर टेसरेट क्यूब भी रखा हुआ था, और मूवी के एंड में लोकी को वो टेसरेट क्यूब वहां दिख जाता है, और जहां तक हम लोकी को जानते हैं तो लोकी शायद वहां से टेसरेट क्यूब को चुरा लेगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर के लीक ट्रेलर में लोकी के पास में टेसरेट क्यूब देख चुके हैं।
तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की, आखिरी इन्फिनिटी स्टोन यानी सोल स्टोन कहाँ पर है। बहुत से फैंस की उम्मीद थी कि इस फिल्म में हमें सोल स्टोन दिखेगा। कई लोगों का ये भी मानना था कि सोल स्टोन हेला या फिर हैमर या फिर हाइमडाल के अंदर है। ना तो हेला के अंदर स्टोन था ना ही हैमर में, हाइमडाल का पता नहीं। हो सकता है हमें सोल स्टोन या तो ब्लैक पैंथर में दिखे या फिर डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर में। या फिर अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमने इसी मूवी में देखी इटर्नल फ्लेम यानी अनंत आग, जिससे हेला ने अपने मरे हुए वॉरियर्स को जिंदा किया था, और सर्टर भी उसी आग से वापस जिंदा हुआ। तो हो सकता है सोल स्टोन इसी आग में हो, क्योंकि सोल स्टोन का काम भी मरे हुए लोगों को जिंदा करना है। ब्रूस बैनर पूरे 2 साल तक सकार प्लैनेट पर हल्क के फॉर्म में था, जबकि हमने कुछ सीन में हल्क को शांत और हंसते हुए देखा, तो हल्क पहले ही अपने ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं आया। हमने फिल्म में देखा कि थॉर और हेला दोनों को ही अपनी पावर्स एसगार्ड से मिलती थी। एसगार्ड तबाह हो रहा था, इसलिए हेला की पावर कम हुई और सर्टर उसे मार पाया। तो क्या एसगार्ड के साथ थॉर की पावर भी खत्म हो गई, ये एक सवाल है। और हम ये भी नहीं जानते कि हेला जिंदा है या मर गई, क्योंकि हेला खुद गॉडेस ऑफ डेथ है, इसलिए उसे मार पाना बहुत मुश्किल है। हेला से लड़ते वक्त थॉर अपनी राइट आय यानी दाहिनी आंख गवा देता है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के लीक ट्रेलर में हमने देखा कि थॉर की दोनों ही आंखें सही थी, तो फिर थॉर की आंख ठीक कैसे हुई। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें एक बड़ा सा स्पेसशिप दिखा, शायद ये थेनोस का ही है। तो दोस्तों ये थी थॉर रैग्नारोक मूवी की एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।